So our next topic is characteristics of cloud computing as per NIST. So let's start. So as you can see, जो हमारा NIST होता है, NIST एक National Institute of Standards है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का. सो ये बेसिकली होता क्या है, एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपका किसी भी क्लाउड की एक कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है कि ये चीज़ तो उसमें होनी चाहिए. तो पांच चीज़ें होती हैं. फर्स्ट है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विसेज, सेकंड है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, ठीक है, थर्ड है रिसोर्स पूलिंग, फोर्थ है आपका रैपिड इलेक्ट्रिसिटी, फिफ्थ है मेजर सर्विसेज. तो ये आपके RGPV के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और बाकी आप ये आपको जो PPT है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन से आप इधर इसको एक्सेस कर सकते हो. बाकी अब इसको अपन देख लेते हैं. पहला अपन समझते हैं कि ऑन डिमांड सेल सर्विस क्या होती है, ठीक है. तो बेसिकली मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ अच्छे से कि ऑन डिमांड सेल सर्विसेज लाइक हमारा एक क्लाउड है, ठीक है, उस क्लाउड के फीचर्स हैं बहुत सारे, ठीक है. फीचर जैसे कि उसके पास खूब सारी रैम है, खूब सारा हार्ड डिस्क है, खूब सारे हमें डोमेन भी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब तरह तरह के फीचर्स हैं, ठीक है. तो वो हमें सी पैनल होता है, एक सी पैनल जब भी आप कोई होस्ट करते हो वेबसाइट या कुछ भी, तो आपको एक सी पैनल देखने को मिलता है, सी पैनल. तो सी पैनल में क्या होता है कि आप इन सब फीचर्स को एक्सेस कर पाते हो, ठीक है. तो हमें क्या ये जो चीज़ें हैं, ये सब जो डिमांड है, इन सब की सर्विसेज प्रॉपरली मिलेगी कि नहीं, इसको कहते हैं ऑन डिमांड सेल्फ सर्विसेज, ठीक है. लाइक आपके एक होती है ईमेल भेजने वाली फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, एप्लीकेशन नेटवर्क और सर्वर से रिलेटेड चीज़ें हमें मतलब इजीली अगर एक्सेस हो पाए तो वो हमारा क्या होता है, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, दैट्स इट. फिर ये थोड़े एग्जांपल दे रहे हैं, AWS होता है, माइक्रोसॉफ्ट होता है, IBM, Salesforce, ये सब क्या एग्जांपल है कि हमारे क्लाउड प्रोवाइडर्स कौन कौन है. सेकंड देखते हैं ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस. अब लेट सपोज आपने किसी क्लाउड की सब्सक्रिप्शन ले ली मंथली बेसिस पे, तो अब है ना सबसे मेन चीज़ होती है कि वो ब्रॉड नेटवर्क है कि नहीं. ब्रॉड नेटवर्क इन द सेंस कि आप वो मोबाइल पे चला पा रहे हो, लैपटॉप पे चला पा रहे हो, कि आप सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड हो कि आप सिर्फ लैपटॉप पे, वो भी 15 इंच वाले लैपटॉप पे ही आप वो यूज़ कर सकते हो क्लाउड. ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए हमें, क्या होनी चाहिए, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस. नाम भी समझ में आ रहा है, हर डिवाइस पे एक्सेस कर सकें, हर डिवाइस से फुली कंट्रोल्ड में हो वो क्लाउड हमारे हाथ में. तो ये होता है क्या, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस. ओके, यहाँ पे लिखा भी है जिससे मोबाइल फ़ोन लैपटॉप सबसे आप क्या यूज़ कर पाओ, उसको एक्सेस कर पाओ. ये होता है क्या हमारा, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस. थर्ड होता है रिसोर्स पूलिंग, लाइक हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिसोर्सेज उसमें हमारे पास हैं, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं, रैम है, एग्जाम्पल भी दिया है कि स्टोरेज हो, प्रोसेसिंग हो, मेमोरी हो और नेटवर्क की बैंडविड्थ हो. तो रिसोर्सेज जो हैं इजीली अवेलेबल हो, लाइक हमने जिस चीज़ का पैसा दिया है हमें वो हम उन रिसोर्सेज को यूज़ कर पाएँ इन फ्यूचर जब भी हमें ज़रूरत है, ठीक है. ये होता है रिसोर्स पूलिंग, ठीक है. फिर रैपिड इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या है कि ठीक है, तो इसके नाम से समझ में आ रहा है, रैपिड इलास्टिसिटी, ठीक है. तो इलास्टिसिटी मतलब कुछ चीज़ जो खिंचाव वाली हो, जो आपको जैसे सपोज से आज आपको 2 CPU की ज़रूरत है, 2 प्रोसेसर्स की, अब कल आपको एक दिन के लिए 25 प्रोसेसर की ज़रूरत है किसी भी रीज़न से, तो आपको जस्ट थोड़ा सपोर्ट में आना है, कहना है मेरे को अच्छी ज़रूरत है, और आपका वो जो उस दिन के लिए आपको उतना प्रोसेसिंग पावर मिल जाएगी विदाउट एनी अपग्रेडेशन इन योर हार्डवेयर. तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज है. एनीथिंग, चाहे कुछ भी आपके जो भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उनमें हर चीज़ इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी. आप किसी भी चीज़ को बढ़ा सकते हो और कम सकते हो, सब आपके हाथ में, उसके जितना यूज़ होगा उस हिसाब से पे करना है. ये होता है रैपिड इलास्टिसिटी. एंड लास्ट होता है मेजर सर्विसेज, लाइक आपने 25 CPU 2 दिन तक यूज़ किया तो आपको सिर्फ उतना ही पे करना है, और बाकी 26 दिन आपने कुछ भी यूज़ ही नहीं किया आपको उसका पे नहीं करना. मतलब जितना यूज़ करोगे स्टोरेज, प्रोसेसिंग, बैंडविड्थ और कितने एक्टिव यूजर्स अकाउंट है उसका ही सिर्फ पैसा है, ठीक है, दैट्स इट. इसको कहते हैं मेजर सर्विसेज, ठीक है. तो आपको एक UI दिखी, उस UI में क्लिक 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 करोगे और बैक एंड में आपका पूरा स्टोरेज, प्रोसेसिंग, हर चीज़ मैनेज होती रहेगी, आपको बहुत हाई लेवल का एब्स्ट्रैक्शन मिलेगा. तो ये क्या होता है, मेजर सर्विसेज. तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. कोई भी डाउट हो कमेंट में डालो और सब्सक्राइब करना क्योंकि